अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हो मोमिन गुड फॉर्म। आप अगर मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा फ्रेंड्स, ताकि आप लोगों को डेली की अपडेट्स मिलती रहे। दोस्तों आज फ्राइडे का दिन है और देवनार बकरा मंडी में है। लास्ट अपना ट्यूसडे कवर नहीं किया था और शनिचर भी मैंने शायद कवर नहीं किया था, थोड़ा काम था वो रीज़न से। बाकी आज आया हूँ देवनार में और निज़ाम भाई के बाड़े पे हूँ। निज़ाम भाई का जो बाड़ा है, और छोटी सी एक वीडियो है, ये छोटी है, ज़्यादा लंबी नहीं होगी क्योंकि इसमें दो ही बाड़े कवर करूँगा, क्योंकि मैं अभी पूरा देवनार घुमाऊँ। ये सोजत के अलावा और कहीं पर भी माल नहीं है, तो वही हिसाब से सिर्फ ये दो बाड़े ही कवर करूँगा मैं। इसमें निज़ाम भाई का माल है, निज़ाम भाई है नहीं और ग्राहक भी आज है नहीं। रीज़न ये है कि निज़ाम भाई वो क्वालिटी अभी वैसे बच्चे ला रहे नहीं है, और जो ये अभी लाए हैं जैसे कि एक ये, इसमें मैं बता दूँ जो आपको क्वालिटी 3 से 4 बच्चे दिखेगी वो बिके हुए, वो भी आपको मैं बता दूं। तो पहले उन्हीं की तरफ कवर करूंगा, बाद में उनके पूरे बकरे दिखाऊंगा। क्वालिटी मेन कह सकते, क्वालिटी अच्छी है माशाल्लाह। जो नए हैं ये फील्ड में, उनको पता रहना चाहिए कि क्वालिटी किसे बोलते हैं, क्या चीज़ आती है। देखिए माशाल्लाह लेंथ देखिए, अभी से ये उम्र में लचक, एकदम पतली स्किन का बच्चा है, फुल क्वालिटी में माशाल्लाह, पूरा गुलाबी है, पिंक स्किन है, देख सकते हो, बहुत लाजवाब बच्चे हैं माशाल्लाह। अब ये बिक के आए हुए बाहर से, देखे एक ये बच्चा है, एक ये मुंडा है, इसकी तो खुर बहुत बढ़ गई है। बाकी बच्चा बहुत ही शानदार है ये भी, क्योंकि चेहरा देखे, एकदम छोटे चेहरे का बच्चा है। पतीरा में ऐसे चेहरे देखने मिलते हैं माशाल्लाह, वो चीज़ है माशाल्लाह, बेहद ही खूबसूरत और बोलते ना एक्सट्रीम बच्चा है पंच फेस में। एक ये बच्चा, ये निज़ाम भाई का, ये आप आके परचेज़ भी कर सकते हो, बहुत ज़्यादा ही दुबला पतला है, लेकिन जो इनकी क्वालिटी है वो कहीं नहीं है ये बच्चों के आगे माशाल्लाह। चेहरा देखे और रुबाब देख सकते हो। बाकी थोड़ा पैरों में अभी थकान भी है और रीज़न खुर उर भी बड़ी है, तो वो हिसाब से। बाकी एक ये तीसरा बच्चा देखें, ये भी खस्सी बकरा है, शायद ये खस्सी है। बाकी बच्चा बहुत शानदार है माशाल्लाह, गुजरी पैच है गर्दन पे और पिंक है ये भी, मार्बल सिंग, मार्बल खुर है पूरी, बहुत अच्छी क्वालिटी में बच्चे हैं। बाकी ये देखिए, ये सब छोटे छोटे भी निज़ाम भाई ने लाए हैं, ये चिन्नू मिन्नू, एक वो दो, एक ये तीन, ये भी बहुत अच्छे बच्चे हैं। और कुछ बकरे निज़ाम भाई ने भी लाए हैं, ये जैसे कि एक ये बच्चा देखे, इतनी कोई क्वालिटी है नहीं दोस्तों। वो बच्चों के आगे बोलते हैं ना, सब बकरे कोई दिखने में नहीं है, ना चेहरे में है, ना क्वालिटी में उन बच्चों के आगे, क्योंकि वो बच्चे क्वालिटी है दोस्तों। चेहरा देखे अभी से, जो उम्र पर चेहरा है इन लोगों का, आगे एंड हो जाएगा एकदम, बोलते ना बहुत बहुत खूबसूरत बच्चे माशाल्लाह। बाकी ये भी देखे, ये अरत, ये बकरी है, बाकी बांझी बोलेंगे, पूरे दांत पर है, देखें बांझ बकरी है, ये देखे छोटे छोटे बच्चे। ये सब भी देखे छोटे छोटे निज़ाम भाई ने ज़्यादा लाए हुए, बाकी जो जैसा जिसका शौक हो एकदम छोटा लेके पालने का वो अलग है। देखे ये एक बकरा देखे आपको, ये भी आया था सोजत में आया था, ये बिक गया ये बकरा, ये बकरा अपना आया था देवनार में, व्यापारी ने लाया था एक बड़ा बकरा, तो भाई ने परचेस किए हैं। बाकी जो तीन बच्चे इसमें बिक कर है, बाकी सब निज़ाम भाई के। आप आके बाकी दूसरे कोई भी है, जैसे ये छोटे हैं, इसमें मेल फीमेल एक इसका भाई भी है जो दिखाया मैंने, जोड़ी टाइप आप ले सकते हो, अच्छे बच्चे, खूबसूरत बच्चे, पिंक है, सबसे मेन चीज़ गुलाबी में, बस बात आती है तो चेहरे पे, कि चेहरा नॉर्मल है, लंबे चेहरे के बच्चे हैं सब। बाकी पालने पर डिपेंड करता है दोस्तों, बनते बकरे सभी है।
और जो ऐसे चेहरे के बच्चे बनेंगे ना दोस्तों, नॉर्मल बोलते ना चेहरे वाले बच्चे फेल हो जाते हैं इन लोगों के आगे, क्योंकि अभी से इनकी जो लाइफ देखेगा ना, उनके जो बोलते ना कमान है बच्चों की अभी ये उम्र से, माशाल्लाह ये फीमेल देखे ऊँची कद काटी की बकरी है। चले आगे और भी देखते हैं दूसरे बाड़े में क्या क्या है। दोस्तों अभी ये दूसरे बाड़े में जो सुजत का है, ये असलम भाई का माल है, असलम भाई तो है नहीं फिलहाल, बाकी दिखा दूँ आपको बकरे में, इसमें बकरियाँ ज़्यादा है बकरे कम है। बाकी दोस्तों कोई क्वालिटी कोई वैसी चीज़ आई नहीं, बस वही जो बच्चे हैं देखने लायक चीज़ है। बाकी पालने के हिसाब से आप छोटे छोटे जो निज़ाम भाई के इसमें थे वो अच्छे बच्चे थे, खूबसूरत थे, और ये इसमें देखे कि एक छोटा बच्चा अच्छा है, ये बच्चा बहुत अच्छा है। बाकी कटिंग पर्पज़ के लिए बकरे चाहिए तो दोस्तों देखिए ये सब बकरे बहुत अच्छे है। इस यही बाड़े में वो बकरा था बड़ा दाती, छः दाँत और अच्छे रेट में बिकाए। ये देखिए ये सब भी शायद दाती है, वो आप आगे चेक करें परचेस करें। दोस्तों देखिए बड़े बड़े बकरे यही बाड़े में उन्होंने लाए हुए, दो दो दाँत के, चार दाँत। देखिए बाकी पालने लायक कोई भी ऐसी चीज़ दिख रही नहीं है देवनार में, सब मेंढे का माल ज़्यादा है इसमें। बाकी अब ये बाजू के बाड़े में भी देख सकते हो सिंधी है, इसमें ये बकरा देखे वाइड आइस है, माशाल्लाह खूबसूरत है, अदन बच्चा है। बाकी सिंधी का माल है दोस्तों ये पूरा। बाकी दोनार में और कुछ माल है भी नहीं, पूरा देख सकते आप लोग पूरा बाड़े खाली है। अब ये शनिचर कल है तो कल ही पता चलेगा, सुबह जो माल आएगा वही आएगा। बाकी अपना श्रावण की वजह से माल बहुत बोलते ना के बराबर ही आ रहा है देवनार में, और व्यापारी जो भी है गांव में ही रुक गए, हिंदू जो भी व्यापारी है उन लोग का त्यौहार है तो वही सबसे वो भी आ रहे नहीं है, ये एक महीना शायद पूरा कम ही रहेगा। बाकी देखेगा इंशाल्लाह जो भी आएगा आपको अपडेट मिलती रहेगी टाइम टू टाइम। बाकी ये बड़ी बकरी है, बाकी आप अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना ना भूलिए दोस्तों, ताकि आप लोगों को डेली के अपडेट्स मिलती रहे। बाकी इंशाल्लाह कल देखेंगे शनिचर में, आज तो कुछ है नहीं, जो भी था दिखा दियो आप लोगों को दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही, दुआ में याद रखेगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अल्लाह हाफिज़।